हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ नारी रतन सिरप के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि ये स्पेशली वुमेन के लिए है। इस सिरप का यूज आप पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए कर सकते हैं। तो आज इस सिरप के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और हाँ, बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो गाइज, नारी रतन सिरप सावरिया फार्मा का प्रोडक्ट है। ये 100% आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। इस सिरप में 16 जड़ी बूटियों का यूज किया गया है। ये 200 ml की बोतल फॉर्म में आता है। अप्रोक्स 190 rupees में ये आपको किसी भी केमिस्ट शॉप से इजीली मिल जाएगा। गाइज, इस सिरप को ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। इस सिरप के साथ टेबलेट भी आती है जो की पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए बनाई गई है। पीरियड्स के दौरान ज़्यादातर औरतों में प्रॉब्लम्स होती है, पेट में दर्द रहता है, पीठ में दर्द रहता है, और कुछ वुमेन्स में पीरियड्स के दौरान ब्लडिंग ज़्यादा होती है, कम होती है या रुक रुक कर होती है। पीरियड्स इरेगुलर रहते हैं, टाइम पर नहीं होते हैं। अक्सर वुमेन्स में पीरियड्स के दौरान कमर में दर्द रहता है, कमजोरी रहती है, थकान रहती है, चिड़चिड़ापन रहता है, सफ़ेद पानी की प्रॉब्लम रहती है, वेजाइना से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, वेजाइना में सूजन रहती है। इस टाइप की प्रॉब्लम के लिए इस सिरप का आप यूज़ कर सकती हैं। ये सिरप इरेगुलर पीरियड्स को सही करने में मदद करता है, यानी कि पीरियड्स सही टाइम पर होने लगते हैं। जो वुमेन्स प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाती हैं, वो इसे लेने से प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती हैं। गर्भाशय से संबंधित सभी बीमारियों में आप इस सिरप का यूज कर सकती हैं। इस सिरप को दिन में 2 बार लेना है, 1 बार सुबह और 1 बार शाम को, आधा कप गुनगुने पानी के साथ, यानी 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम को लेना है। इसके साथ टैबलेट जो आती है, वो टैबलेट 1 सुबह 1 शाम लेनी होती है। इस सिरप की सही डोज या इसे कब लेना है, किस बीमारी में लेना है, ये आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ले सकते हैं। और इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो ये एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको नारी रतन सिरप के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।